आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है कि दर्शाइए कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ और गेट की भांति कार्य करता है। यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ G1 तथा G2 जो है पे दो लॉजिक गेट दिए गए हैं, जिसका जो G1 है उसका दो निवेशी है A और B तथा G2 का एक जो निर्गत है Y है, तथा जो G1 का जो यहाँ पे निर्गत होगा वह G2 के लिए निवेशी की तरह होगा। यहाँ जो G1 है वह एक NOR गेट है तथा जो यहाँ पर G2 है वह एक NOR गेट। तब हम देखते हैं कि माना कि यहाँ पर जो NOR गेट है उसका यदि आउटपुट है अर्थात जो निर्गत है वह हमें यहाँ पे K प्राप्त होता है, तो जो K जो होगा वह G2 के लिए एक निवेशी की तरह होगा अर्थात इनपुट की तरह। तब हम देखते हैं यहाँ NOR गेट के लिए इस G1 के लिए यहाँ पर जो सत्यता सारणी हम देखते हैं था ट्रुथ टेबल G1 के लिए, तो यह G1 एक NOR गेट है, तो यहाँ पे यदि इसका जो निर्गत हमने माना K है तो यहाँ K बराबर क्या होगा A धन B, जो कि NOR गेट का यहाँ पे आउटपुट के लिए यहाँ पे A धन B का बार लग जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम निवेश देते हैं, जैसे यहाँ पे दो संगत A और B है, तो यहाँ पे जो निवेश संगत निवेश क्या होगा 0 0 0 1 1 0 तथा 1 1, तथा जो यहाँ पे निर्गत हमें प्राप्त होगा यह OR गेट का उल्टा होगा। तो यहाँ पे OR गेट में हमें यहाँ पे 0 मिलता था, तो यहाँ पे हमें 1 प्राप्त होगा और बाकी जगह हमें यहाँ पे 1 1 प्राप्त होता, तो यहाँ पे 0 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें NOR गेट का यहाँ पे जो आउटपुट या सत्यता सारणी इस प्रकार से मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे सत्यता सारणी देखते हैं G2 के लिए, तो यहाँ पे G2 में यदि हम सत्य यहाँ पे जो निवेश देखे, तो यहाँ निवेश जो है वह हमें यहाँ पे K के रूप में मिलता है, जो कि G1 के सत्यता सारणी से प्राप्त हो जाएगा K। तो यहाँ K तथा जो निर्गत है वह हमें Y यहाँ पे दिया गया है, तो जो यहाँ पे क्या है यह एक NOT गेट है। NOT गेट के कारण से जो हम इनपुट देते हैं उसके यहाँ पे A बार अर्थात यहाँ पे जो होगा K बार प्राप्त हो जाएगा अर्थात उसका प्रतिलोम। तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे K जो है वह यहाँ पे जो इनपुट है वह हमने यहाँ पे 1 0 0 देते हैं, तो यहाँ पर हमें उसका उल्टा प्राप्त होगा अर्थात जब हम 1 देंगे तो यहाँ पर हमें 0 प्राप्त होगा, अन्यथा यहाँ पे 1 जहाँ 0 का 1 0 का 1 यहाँ भी 0 का 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर पूरे परिपथ का यदि हम सत्यता सारणी देखते हैं, इस प्रकार से यदि हम पूरे परिपथ का यहाँ पे सत्यता सारणी देखें, तो यहाँ पे A और B जो है यहाँ पे दो इनपुट थे, यहाँ A और B जो है दो इनपुट अर्थात दो निवेशी थे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे उसका मान देखा। तो उसका मान अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 तथा 1 1, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो Y है अर्थात इसका पूरे परिपथ का जो निर्गत Y हमें प्राप्त होगा, तो Y क्या होगा K बार का यहाँ पर जो K बार प्राप्त होगा, तथा यहाँ पर K बार, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे 0 1 1 1 जो कि हमने यहाँ पे देखा था। इस प्रकार से जो पूरे पूरे परिपथ का या सत्यता सारणी देखिए, जिसमें दो निवेशी A और B तथा एक निर्गत जो है Y, तो यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाता है। यहाँ से हम Y बराबर K बार मिला था, जो K बार यदि हम देखें तो Y बराबर हम लोग यहाँ से यह भी देख सकते थे कि यहाँ जो K बराबर क्या मिला था A धन B का बार, तथा यहाँ पे नॉट गेट लगाया तो यहाँ पे K का बार हो गया था, यहाँ पे डबल बार। तो इस प्रकार से यहाँ दोनों बार जो है हट जाएगा, तो यहाँ से हमें A धन B मिलेगा अर्थात यह किसके यह जो बुलियन व्यंजक है वह एक OR गेट का होता है। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे जो आउटपुट है अर्थात जो निर्गत है उसे भी देखें, तो एक किसका होता है यह एक OR गेट का होता है, अतः यह पूरे परिपथ जो है एक OR गेट की भांति होगा, यह OR गेट की जैसे होगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न में हमें पूछा गया था कि में प्रदर्शित परिपथ का OR गेट की भांति कार्य करता है, यही दर्शाने के कहा गया था। तो जो यहाँ पे निर्गत हमने देखा, जो निर्गत यहाँ पे देखा वो क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 0 1 1 प्राप्त हुआ। तो तथा जहाँ पे इसका बुलियन व्यंजक भी देखते हैं तो हमें यहाँ पे OR गेट का मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने पता किया कि जो दिया गया परिपथ जो है एक OR गेट की भांति होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।